दिनेश जी ने पिछले दिनों एक पत्रकार को बहुत सारी गालियां दी, आपके ही दोस्त, आपके को स्टार, बहुत सारी गालियां दी उन्होंने। हालांकि दिनेश जी की तरफ से कहा जाता है कि पीआरओ हैं। आम्रपाली का एक स्टेटमेंट आया था जो मैंने पढ़ा था, बहुत सारे आर्टिस्ट ने उस पर वीडियोज पेस्ट किए। आज आम्रपाली सामने है, पहली बार उस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगी कि आम्रपाली का स्टैंड क्या है कैमरे के सामने। एक्चुअली ऑनेस्टली तो मैं उस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज इट वॉज अ नाइटमेयर जो आया, आके ख़त्म हुआ और चला गया। बट मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी, हर किसी को कहूँगी कि अगर कोई आदमी कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और आप उसका साथ नहीं दे सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार हम इंसान हैं, इंसान के प्रजाति में पैदा हुए हैं, हम इंसान के बच्चे हैं। इंसान जैसे रहो ना, केकड़े जैसे किसी का पैर खींचने का क्या मतलब है। कोई ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अगर उसे सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे पीछे मत खींचो, और अगर पीछे खींचोगे तो आई थिंक, क्योंकि हम सब दिनेश जी के पेशेंस को जानते हैं, मैं तो उनको धैर्य का देवता मानती हूँ। वो बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत स्वीट नेचर के हैं, हम सब जानते हैं। बट अगर उनकी तरह आदमी को भी अपना पेशेंस लूज करना पड़ा तो मतलब कुछ तो गलत होगा ही, वरना ऐसे कोई बात नहीं करेगा किसी से। कोई सेलिब्रेटेड पर्सन, कोई ऐसा आदमी जो हजारों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, वो ऐसी बातें नहीं करेगा। तो आई थिंक किसी को भी इतना मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम आप क्रिटिक्स क्रिटिक्स की तरह बात करें, पर क्रिटिसाइज मत करें। बी फेयर इनफ। आप एक ऐसी फिल्म जो किसी ने नहीं देखी है, शायद 20 लोगों ने भी नहीं देखी है, सिर्फ क्योंकि आप उस फिल्म के पीआरओ हैं, और वो पत्रकार हैं भी नहीं, वो पीआरओ हैं बेसिकली। ये बेसिक फर्क है जो ऑडियंस को पता नहीं है। जी हाँ, वो पत्रकार नहीं है। आई थिंक ही उनके जॉब से कुछ उनका प्रॉब्लम है। ही इज अ पीआरओ, ही वर्क्स फॉर आर्टिस्ट्स इन आवर इंडस्ट्री। और तो आप किसी फालतू सी फिल्म, मतलब जो फिल्म को 20 लोगों ने भी नहीं देखा है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, ऐसा हुआ वैसा हुआ फिल्म में, और एक ऐसी फिल्म जिसके लिए बॉलीवुड के स्टार्स तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, और आप उसी फिल्म के लिए खराब बोल रहे हैं। मतलब आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसी की सबसे बड़ी फिल्म के बारे में आप खराब बोल के आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं। और दिनेश जी ने तो बहुत समय बाद उसे जवाब दिया है। अगर मैं होती दिनेश जी की जगह तो मैं बहुत पहले उसे जवाब दे चुकी होती। अच्छा, आम्रपाली ने अगर जवाब दिया होता तो कैसे दिया होता? आई थिंक बहुत ही स्वीटली। ऐसे तो ऐसी गालियां तो नहीं इजाद मैं इजाद नहीं कर पाती ऐसी गालियों का, अलग अलग जो दिनेश जी ने नई नई बना के गालियां बोली थी ऐसी गालियां तो मैं नहीं दे पाती, बट मैं उनको जरूर ये बोलती कि अपनी औकात में रहिए। और वो मान जाते इतना सा कहने से? नहीं मानते तो फिर मैं अपनी औकात के बाहर चली जाती। अच्छा।